हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडेक्स एनलिस्ट। सो ट्रेडर्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कल की जो बैंक निफ्टी की एंड निफ्टी फिफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहने वाली है उसके बारे में, एंड क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे, एंड क्या हमारी एंट्री रहेगी, एंड क्या स्टॉप लॉस रहेगा। इस वीडियो में उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये दोनों के चार्ट ओपन कर लें। आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी को मैंने ऐड किया हुआ है, एंड यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी को ऐड किया हुआ है ड्रॉप डाउन में। इसका जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट की रख रखा है। इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि बैंक निफ्टी इजीली आपको समझ में आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसके जो लो हाइज हैं तो उनको मैंने एक ट्रेंड लाइन के थ्रू यहाँ पे कवर कर दिया, ठीक, क्लोज कर दिया, ठीक। एंड यहाँ पे एक दूसरे ट्रेंड लाइन में ऐड करके यहाँ पे जो इसके लोज हैं उनको कवर कर लिया है, मतलब एज सपोर्ट मैंने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए। लेकिन अभी जो हम बात करते हैं रिसेंट में बैंक निफ्टी जहाँ पे क्लोज हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हमने इस लो को मिलाते हुए यहाँ पे सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर दिया है। एंड अब हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के बारे में। तो निफ्टी फिफ्टी में मैंने इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है एज सिमिलर निफ्टी बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक। इसके हाइज को कवर कर रखा है, लेकिन दिक्कत यह है, यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इसने इसको कवर नहीं किया, इसने ये इसके ऊपर हाई बना चुका है, बट यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक डॉटेड ट्रेंड लाइन पे इसको भी क्लोज कर दिया है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एज बैंक निफ्टी मेकिंग सपोर्ट, तो लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी वैसा सपोर्ट नहीं बना रहा है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे इसके लोज को मिलाते हुए अप डायरेक्शन में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक। इसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेड करनी होगी। तो ठीक, अब हम ट्रेड स्ट्रेटजी के बारे में जान लेते हैं। जो सपोर्ट लेवल है हमारा वो 47,365 के समथिंग सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी का रहेगा, एंड जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल देखिए ब्रेकआउट हम तभी कन्फर्म मानेंगे इसका। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये इस लेवल तक जो 47,592 है, तो इसका ये रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है। अगर इसके ऊपर ये जाता है, यानी कि इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर जाता है, तो अप डायरेक्शन हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे यहाँ पे भी 1 मिनट, मैं यहाँ से ब्रश ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर मूवमेंट बहुत स्लो है तब। अगर मूवमेंट फास्ट है तो हम इसके रेजिस्टेंस तक का जाने का वेट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस तक इसको ब्रेक करता है, अगर यहाँ पे ओपन होके इसके बाद में इसको ब्रेक करता है, तो हम आप डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं मॉर्निंग के टाइम में, और ये ट्रेड बहुत जल्दी ही करनी होगी आपको, बहुत जल्दी एंट्री एंड एक्सिट करना होगा। अगर यहाँ पे ये क्या करता है, इसको डाउन में यानी कि ब्रेक डाउन देता है इसका, तो क्या करना है हमको, सॉरी, अगर इसका ब्रेक डाउन देता है तो डाउन साइड में हमको एंट्री लेनी है यहाँ पे, और जो इसका सॉरी डाउन साइड में जो टारगेट रहेगा वो समथिंग आप 47,050 के नियर आप रख सकते हैं, ठीक। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी रहने वाली है बैंक निफ्टी के लिए। इसके बाद में जो मार्केट बिहेव करेगा उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर देता रहूँगा, ठीक। अब हम निफ्टी फिफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी फिफ्टी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है चार्ट यहाँ पे। अगर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग ट्रेड करें तो बहुत आसान है, बट यहाँ पे हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये कुछ फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन बनेंगे इन ट्रेंड लाइन के थ्रू। तो हमको ट्रेड करनी है इनके, तो इनके अकॉर्डिंग तो करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमको, थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी फोकस रखना है। अगर आप निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करते हैं देन, तो बताऊंगा कि कैसे आपको फोकस करना है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इसको इस लेवल को ब्रेक करती है, सब रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक करती है, तो हम एंट्री ले लेंगे। अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो इसके इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होते ही आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ब्रेक होते ही आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है उसके नियर सपोर्ट है, यहाँ पे भी मार्केट क्लोजिंग के नियर सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो, और इसको भी ब्रेक करता है, तो हम किसी भी, या तो निफ्टी फिफ्टी में आप ट्रेड करें या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, किसी में भी आप एंट्री ले सकते हैं आफ्टर ब्रेक डाउन, तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा भाई। निफ्टी फिफ्टी एज यू कैन सी अपना कर चुका है यहाँ पे, देखिए जो हमने सपोर्ट बताया था,
और देखिए मेनली यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों ट्रेंड लाइन एक दूसरे को इंटरफेस कर रही थी, तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था। इसके ब्रेक होते ही यहाँ पे काफी अच्छा मूवमेंट आया और यहाँ पे बैंक निफ्टी का हम हाल देखें तो इस तरह से हाल चल रहे हैं यहाँ के। लेकिन अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन और ऐड करनी है यहाँ पे, यहाँ से मिलाते हुए साइको मिलाते हुए सॉरी। ये डॉटेड लाइन में मैं यहाँ पे ड्रो करूंगा और काफी अच्छी एक्यूरेसी यहाँ पे मिलने वाली है भाई। अब ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बाद में हम वेट करेंगे केवल ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे ट्रेड करनी है। अब देखना तो भाई ब्रेकडाउन मिल चुका है यहाँ पे डाउन साइड और यहाँ पे पोजिशन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ पे मूवमेंट बहुत अच्छा आने वाला है। देखिए उम्मीद करता हूँ यहाँ पे टारगेट हिट होगा, बहुत ही इजी मतलब बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रख सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे देखना होगा, हो सकता है ये वाला सपोर्ट लेवल भी यहाँ पे वर्क करे। तो अभी देखिए ये ब्रेक नहीं किया इसने, लेकिन लग रहा है कि ये ब्रेक करेगा। तो भाई अपने नियर टारगेट ये चल रहा है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे टारगेट हिट होगा। और भाई इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक पोजीशन और बनाएंगे आप यहाँ पे। मैं यहाँ से एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये हमारा टारगेट है, ठीक। यहाँ से हमको क्या करना है, देखिए एक और पोजीशन बना लिए। अगर ये डाउन आता है मतलब इस टारगेट को हिट करता है सॉरी, ये शॉर्ट पोजीशन बनानी है हमको यहाँ पे। तो नियर टारगेट चल रहा है, करना क्या है यहाँ पे देखिए आप, ये छोड़ो पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें भी हमारा टारगेट अच्छा खासा रहेगा एंड स्टॉप लॉस भी ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे जो हमारा सेकंड टारगेट था वो भी हिट हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे जो टारगेट है ना वो यहाँ पे जो हमने एक सपोर्ट ड्रॉ कर रखी थी एक ट्रेंड लाइन वाली सपोर्ट, तो यहाँ तक ये आ सकता है। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लाइव मार्केट में कितने अच्छे टारगेट हिट करवाए। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।